इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न नंबर 10 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, प्रश्न नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है कि 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें दो भाग दिया गया है। पहले भाग में क्या पूछा गया है कि वर्ष 2001 में जनसंख्या और दूसरे भाग में वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, यह प्रश्न भी हमारा बाकी प्रश्नों की तरह बहुत ही आसान है, बस एक बार आपको समझना है। देखिए, हमने इसमें क्या करना है, पहले भाग में यह बताना है कि 2001 में कितनी जनसंख्या होगी। हमें इसमें 2003 की जनसंख्या दिया गया है कितना, 54,000, ठीक है। और हमें इसमें बताना है 2001 की जनसंख्या कितनी होगी, तो हमें इसमें बाद की जनसंख्या यानी कि ये 54,000 दिया गया है, हमें पहले वाली वर्ष की जनसंख्या बतानी है। यानी कि ये जो 54,000 होगा, इसको हम क्या करेंगे, यहां पर कुल राशि मान लेंगे, यानी कि अमाउंट मान लेंगे। और जो 2001 की जनसंख्या आएगी, उसको हम क्या करेंगे, मूलधन मान लेंगे, यानी कि प्रिंसिपल, ठीक है। और इसमें हमें, जैसा कि आपको पता है, दर हमें दिया गया है कितना, 5% वार्षिक। और इसमें हमारा समय की भी जरूरत पड़ेगी, तो समय कितना हो जाएगा, देखिए 2003 की जनसंख्या हमें दिया गया है और 2001 का जनसंख्या हमें निकालना है, तो 2003 में से 2001 को घटा देंगे तो हमें आ जाएगा 2 वर्ष। ये हो जाएगा हमारा समय, ये हो जाएगा दर, और ये हमें कुल राशि दिया गया है, हमें निकालना है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। तो हम वही A=P(1+R/100)n यही वाला सूत्र लगाकर निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे जो हमें दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, वर्ष 2003 की जनसंख्या हमें दी गई है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वर्ष 2003 में जनसंख्या, और इसको हम जनसंख्या को क्या मान लेंगे, कुल राशि यानी कि अमाउंट, ठीक है। तो ये हमें कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 54,000, और इसके अलावा हमें इसमें दर भी दिया गया है यानी कि रेट, तो ये हमें कितना दिया गया है, 5% वार्षिक, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा हमें इसमें समय भी दिया गया है, समय हमें डायरेक्ट नहीं दिया गया है, हमें इसमें 2003 में से 2001 को घटा के निकालना है, तो ये हमारा आ जाएगा 2 वर्ष, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब हमें इसमें निकालना क्या है, 2001 की जनसंख्या, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि वर्ष 2001 में जनसंख्या, और इस जनसंख्या को हमें क्या मानना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मूलधन मान लेंगे यानी प्रिंसिपल, और ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखिए, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्या सूत्र लगाएंगे, जो हम पहले वाले क्वेश्चंस में सूत्र लगाए हैं, यानी A=P(1+R/100)n यही वाला सूत्र लगाएंगे, और इस सूत्र पर हम सबका मान रख देंगे। तो देखिए, इसमें हमें a दिया गया है 54,000, तो इसकी जगह पे लिख लेंगे हम 54,000 बराबर में, ये p हमें निकालना है तो इसको एज इट इज लिख लेंगे, और ये ब्रैकेट में 1+R का मान कितना दिया गया है, 5, तो ये आ गया 5/100, ये हमारा है 100, और n का मान कितना है, 2, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 एकम 5 और ये 20 पंजे 100, ये तो सॉल्व हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 1+1/20 यहाँ पर, तो ये हम लिख लेंगे 54,000 को सेम बराबर में, ये p आ जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए 1+1/20 है, तो 20 का 1 से गुणा करेंगे, 20 एकम 20+1 हो जाएगा, तो 20+1 21, और बटे में हमारा ये 20 है, इसको सेम लिख देंगे, और ये इसकी घात 2। तो यहां से अब हमारा ये हो जाएगा 54,000 बराबर, ये p ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह, और ये 21/20 दो बार लिखा जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है इसकी घात 2 है। अब हमें निकालना क्या है, इसमें p का मान, तो हम कैसे निकालेंगे, p को बराबर के इसी तरफ रहने देंगे और इन सभी को इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हम 54,000 को एज इट इज उतार लेंगे, और ये इधर हमारा 20 भाग में है, इधर जाएगा तो हो जाएगा गुणा में, और ये वाला भी इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और बटे में हमारा क्या आ जाएगा, ये दोनों, क्योंकि इधर बराबर के ये गुणा में है, तो ये हो गया यहाँ पर भाग में, और इधर क्या बचा हमारे पास, p, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ से ये हम क्या करेंगे, 3 के पहाड़े से इनको काट देंगे, 3 7 21, और ये हमारा 3 एकम 3 और 2 बच गया, तो ये हो गया 24, 3 8 24, ये कट गया हमारा, और 3 0 यहाँ पर आ गया,
ठीक है। इसी तरह से ये भी कट जाएगा, 3 7 21 और ये 3 6 18 और ये 3 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या बचा, 6000 गुणा 20 और बटे में 7 गुणा 7। तो यहाँ पर हम 6 2 12 2 24 इनको गुणा कर दिए हैं और ये 3 0 यहाँ पर आ गया और ये हमारा 1 0 और एक ये 0, इन तीनों का हमने यहाँ पर गुणा कर दिया तो हमारा ये आ गया 24 लाख। बटे में हमारा क्या है 7 गुणा 7 यानी कि 49, बराबर में क्या है हमारा पी। तो यहां से देखिए अब हम 49 से इस 24 लाख में भाग दे देंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारे पास निकल के आएगा यहां पर 48,979.5918 और ये हमारा है पी का मान, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट लिखा है 48,979.5918। आप चाहें तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्या तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये है। अब ये हम यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, P बराबर 48,979.5918। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमें ये आ गया P का मान, यानी कि मूलधन हमारा इतना आ गया है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा जनसंख्या होता है, क्योंकि ये हमारा पी हमने जनसंख्या माना है और जनसंख्या हमारा कभी भी दशमलव में नहीं आ सकता, क्योंकि जनसंख्या हमारा इंसानों की गिनती होती है। तो क्या कभी ऐसा होता है कि कभी डेढ़ इंसान हो गए या फिर आधे इंसान हो गए या फिर ढाई इंसान हो गए, ऐसा तो कभी होता नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको कि लगभग में लिख लेंगे इसका मान, यानी कि हम क्या करेंगे कि पी का मान यहाँ पर लगभग में लिख लेंगे। हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 48,980, क्योंकि 5 से यहाँ पर ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा है तो हमारा आगे चलकर 1 हो जाएगा ये, यानी कि 48,980 ये हमारा लगभग आ गया पी का मान, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पी का मान 48,980 लगभग हो गया, यानी कि हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी होगी, ये हम यहाँ पर लगभग में इसका मान लिख लेंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 48,980 लगभग, ठीक है। इसको आपको लिखना जरूरी है लगभग में, क्योंकि ये हमारा लगभग आया है, ऑलमोस्ट वैल्यू आई है इसकी, ठीक है। तो इस तरह से पहला भाग सॉल्व हुआ। अब देखिए इसका दूसरा भाग करते हैं। तो दूसरे भाग में हमसे क्या पूछा गया है कि वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए वर्ष 2003 की जनसंख्या हमें दिया गया है 54,000 और वर्ष 2005 की पूछा गया है इस बार, यानी कि हमें पहले वाली जनसंख्या दी गई है, बाद वाला पूछा गया इसमें। तो ये हमारा दूसरे प्रश्न के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा मूलधन, और हमें यहाँ पर कुल राशि निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे कि क्या लिखेंगे हम, जो हमें दिया गया है वर्ष 2003 में जनसंख्या, और इस बार इस जनसंख्या को हमें क्या मानना है मूलधन। जैसा कि आपको पता है कि क्यों मानना है, क्योंकि हमें आगे वर्ष का जनसंख्या निकालना है। तो ये हमारा कितना है 54,000, इसको हमने लिख लिया। और इसके अलावा हमें इसमें दर दिया गया है, यानी कि रेट, ये हमें दिया गया है 5% वार्षिक, तो इसको हमने यहाँ से लिख लिया 5% वार्षिक। और हमें समय कितना दिया गया है इसके लिए भी, इसके लिए हमें समय दिया गया है वही 2 वर्ष, क्योंकि 2005 में से 2003 को घटाएंगे तो भी हमारा 2 वर्ष ही आएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ से हमें निकालना है 2005 की जनसंख्या, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वर्ष 2005 में जनसंख्या, और इस जनसंख्या को हमें क्या मानना है यहाँ पर कुल राशि, ठीक है। क्यों मानना है, क्योंकि हमें ये बाद वाली जनसंख्या निकालनी है इसलिए। तो यहाँ पर क्या सूत्र लगाएंगे, यही a इज इक्वल टू p ब्रैकेट में 1 + r/100 n, ठीक है। तो यहाँ से देखिए a का मान हमें निकालना है, इसको एज इट इज लिख लेंगे, बराबर में ये हमारा p का मान कितना है 54,000, तो ये आ गया हमारा 54,000 ब्रैकेट में ये 1 + r का मान कितना है 5 बटे में ये हमारा है 100 और इसकी घात कितनी है n, और n का मान है 2, तो ये 5 एकम 5 और ये 20 पंजे 100 हो गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा हो गया 54,000 और ये हमारा ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे 20 एकम 20 और एक 21 21 बटे 20 आ गया और इसकी घात है 2, ठीक है। अब बाकी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारा ये है 54,000 और इसके बाद ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा और 21 बटे 20 की घात 2 है, तो इसको हम यहाँ पर 2 बार लिख लेंगे 21 बटे 20 को।
तो यहाँ से देखिए हमारा 10 से 10 कट जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा। इसके अलावा हमारा ये 2 एकम 2, ये हमारा 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 और ये 0, 270 हो गया। और ये 2 एकम 2 और ये हमारा कितनी बार में आ जाएगा, 135 बार में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 135 गुणा 21 गुणा 21 तीनों को अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारा ए का मान कितना आ जाएगा, 59,535। और ए को हमने क्या माना है यहाँ पर, 2005 की जनसंख्या, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि अतः वर्ष 2005 में जनसंख्या बराबर कितनी आ जाएगी हमारी, जो हमारा ए का मान आया है, यानी कि 59,535। ठीक है, ये हमारा पॉइंट में नहीं आया है इसलिए इसके आगे हम लगभग नहीं लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 10 का हल हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इसे हेल्प मिले थोड़ा। और कहीं पर भी कोई डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।